पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में करोड़ों की धांधली की आशंका जताने वाले मेजर विजय सिंह मनकोटिया के बयान पर बिलिंग पैराग्लाइड एसोसिएशन ने पलटवार किया है। बिलिंग पैराग्लाइड एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के लिए बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने कोई खैरात नहीं मांगी थी, इसके लिए बकायदा प्रस्ताव भेजे गए थे और प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद ही पर्यटन विभाग इस प्रतियोगिता का स्पॉन्सर बनने की भूमिका अदा करता है। ऐसे में मेजर विजय सिंह मनकोटिया का पर्यटन विभाग द्वारा बीपीए को राशि देने का सवाल उठाना बिल्कुल बेमतलबी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग ने करीब 1.5 करोड़ की स्पॉन्सरशिप के लिए हामी भरी थी और उतनी ही राशि विभाग ने बीपीए को दी है। बीपीए निदेशक अनुराग शर्मा ने कहा कि पूरी प्रतियोगिता के दौरान लेन देन की ऑडिट रिपोर्ट एसोसिएशन के पास है, विजय सिंह मनकोटिया जब चाहे उसे देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी प्रतियोगिता करवाने के लिए मनकोटिया को बीपीए का उत्साह बढ़ाना चाहिए, लेकिन वे इस तरह के आरोपों से बीपीए का मनोबल तोड़ने का काम कर रही हैं। बीपीए निदेशक अनुराग शर्मा का कहना है कि इस वर्ल्ड कप के सफल आयोजन के लिए बीड बिलिंग दुनिया के मानचित्र पर तेजी से उभरा है और पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ी है। ये प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने का कदम है, ना कि कोई गुनाह। उन्होंने कहा कि मनकोटिया ने सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग किया और 1 साल में 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई है। ऐसी कौन सी योजना वे लेकर आए हैं जिसके लिए गाड़ी का उपयोग किया गया? ये बिल्कुल जो आरोप है मनकोटिया जी के निराधार है। हमने कोई घोटाला नहीं किया है। हमने भारत में और साउथ एशिया में पहली बार 2015 में वर्ल्ड कप किया है, जो कि जो हिमाचल के लिए और पूरे देश के लिए एक शान की बात है। और मनकोटिया जी हमें बताएं कि हमने क्या घोटाले किए। हम उनको आमंत्रित करते हैं हमारे ऑफिस में जो भीड़ में हमारा, कि जब मर्जी वो आए हम उनका सम्मान करते हैं। हमारे पास होता पेपर एक एक चीज का रिकॉर्ड है, पर हमारे को वो बताएं कि हमने क्या रिकॉर्ड किया है, कि हमने क्या सॉरी घोटाला किया है। 90 करोड़ का उन्होंने बोला कि 90 करोड़ दिया है, वो क्या है? अब 90 करोड़ रुपया वो जाने, क्योंकि वो उस टाइम उपाध्यक्ष थे। हमें नहीं पता है कि 90 करोड़ की तो जो हमारे नॉलेज में आई थी तो राशि ना पीडब्ल्यूडी को किसी ने दी, हमारी एसोसिएशन को, तो ऐसा कुछ भी जो है ये बिल्कुल निराधार है।